आज है नवमी, तो आज हवन होना है मंदिर में, फिर उसके बाद कन्या पूजन होना है। तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और रात को भी बहुत लेट सोई थी, लेकिन मेरे पतिदेव और मेरे बच्चे को देखो, दोनों घोड़े बेच के सो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। पतिदेव ने तो शाम को ये बोल के सोए थे कि सुबह मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा, ये देखो मेरी हेल्प करा रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। ना बच्चे को ये फिक्र है माँ कहाँ है, ना पतिदेव को ये फिक्र है बीवी कहाँ है। मैं और लल्ला हो गए एकदम रेडी, और लल्ला के पापा ऐसे घूम रहे हैं, और सुबह उठने के बाद बहुत सारे काम थे जो कि हमने निपटा है, क्योंकि लल्ला बेहोशी की हालत में सोए थे। उसके बाद लल्ला पापा के पास थे, अभी थोड़ा सा ना रो रहा है, पता नहीं अरे कैमरा देखते ही खुशी खुशी ओले ओले भैया। पहले ना वेद को मैं कुर्ता पहनाने वाली थी, हम लाए भी थे उसके लिए, पर मुझे लग रहा है वो परेशान हो जाएगा इसलिए कुर्ता नहीं, क्यों। बस हम लोग निकलने वाले हैं, 10:30 हो गए हैं। शांति जल्दी से अपना चेंज कर लें, चलते हैं, और जो भी हलवा पूड़ी खीर जो भी बनाना था मैंने सब कुछ बना लिया है। जाएंगे, पहले हवन होगा और उसके बाद हम कन्या खिलाएंगे। मेरा लल्ला भी कन्या खिलाएगा, कन्या खिलाएगा ना। 10:30 हो गए हैं और ये लड़का सुनता, देखना कर दा मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा। टी शर्ट अच्छी लग रही है, आज पहली बार ऐसा हुआ है शायद कि मैं साड़ी जब पहनती हूँ रोई नहीं हूँ। मैंने ठीक से पहनी है क्योंकि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना का मतलब होता है पिछली बार तो रो रो के तुम तभी भी होते ही थे, क्योंकि तुम्हें तब क्या कुछ नहीं आता। लड़का मुझे बेइज्जती कराता रहता है। वो 10 घंटे में तैयार हुई हो? 10 बजे कितने बजे उठी थी सच्ची बता दो। 2 बजे सुबह मैं इतनी जल्दी उठी हूँ ना, रात को इतना लेट सोई थी, थक गई थी वहां से आने के बाद अंदर से, फिर भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया। इनको देखो सुघड़ बन रहे हैं, इन्हें बस अपना कुर्ता पहनना है तो भी। पर शांति ने वेद को संभाला तभी मैं काम कर पाई। इस लड़के की वजह से हम लेट हो गए, कभी पानी नहीं पिया मैंने, कभी ये नहीं किया मैंने। और यहाँ पे हवन की तैयारी हो गई थी, हवन शुरू हो गया था, तो मैं और शांति बैठे थे, जोड़े के तौर पे बैठते हैं हवन करते हैं, तो हवन यहाँ शुरू हो गया था। वेद पता नहीं कैसे रुक गया, मुझे लगा था वो रुकेगा नहीं, पर वो कोई ना कोई इसको गोद में ले रहा था, तो वेद टिक किया था इसलिए हम आराम से हवन कर पाए थे। पहले मैंने सोचा था उसको गोद में लूँगी, लेकिन वो टिकता नहीं क्योंकि धूप भी थी जिस तरफ हम बैठे हुए थे, तो इसीलिए किसी ना किसी की गोद में था वो। गम गम गणपते नमः स्वाहा, चंद्र देवता शुक्रायामी स्थापयामी नमः स्वाहा, शनि देवता का ध्यान कीजिए स्वाहा, ओम पराय स्वाहा, ओम चंद्रकाय स्वाहा। से बोलो जय माता, जूड़े में ये लगा के बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपने लल्ला के लिए ले आई थी, मेरा लल्ला तो कहीं ना लगाएगा खींचेगा, अच्छा लग रहा है। हाँ लग रहा है कि मैं वैष्णो मैया आई हूँ। इस लड़के की अलग ही प्रॉब्लम चलती है, मैं चाहती हूँ कि मैं आलता लगूँ। ले ले ले, हो गया पुण्य कमाने आए हैं। लंगूर लंगूर नहीं, लंगूर नहीं बैठेंगे। और ये हमारी कन्याएं यहाँ बैठ चुकी हैं, तो पहले कन्याओं के पैर धोए गए थे, उसके बाद उनको आलता लगाया गया था, फिर उनको जो भी हम लोग खीर पूड़ी हलवा चना वगैरह सब लोग घर से बना के लाए थे वो सब इकट्ठा मिक्स करके कन्याओं को बांटा गया था। उसके बाद कन्याओं को ना जो लोग गिफ्ट्स लेकर आए थे उन्होंने गिफ्ट्स दिए थे, शांति ने तो पैसे दिए थे क्योंकि वो गिफ्ट नहीं ला पाए थे। जान खा रखी मेरी। अरे यार तुम रक्षिका आप सारे सुनो, तुम मतलब तुम दादी को देते जाओ, दादी रख लेगी, दादी को दे दो। सो गया वो, जान चुरा रहा है हमारा बेटा किसी और के पास। तो जब कन्याओं ने खा पी लिया ना, उसके बाद हम सब लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिला था, तो मैंने और शांति ने वही मंदिर में बैठ कर ही प्रसाद खा लिया था। मेरी बकुड़ी आ गई, शोई शोई खाई लल्ला ने,
प्रसाद लेके मम्मा बैठी है, खीर खीर खाएंगे, पूरी पूरी खाएंगे। चलो खिला दो उसको थोड़ा सा कुछ। ये खा तो रहा है बेचारा। थोड़ा सा खिला दो। क्या खाया इसने? सही हलवा खिला दिया। खा ले भैरो। कन्या अभी खा गई, पूजा भी हो गई, हवन भी हो गया अच्छे से, बस हम लोग अब प्रसाद लेके घर निकलेंगे। देखो पूजा हो गई, सब खा पी के चले गए, लेकिन मंदिर पे झाड़ू ये लगा रही बेचारी। वहाँ वो पोछा लगा रही है उधर, कहाँ गए? शाम पता है शाम को गंदा मिलेगा अगर अभी नहीं हुआ ना, वो कर रही है चेयर। ये काम कितना जरूरी है कर रहे हैं। देखिए पीछे झाड़ू पोछा चल रहा है, सब साफ सफाई कर रहे हैं। लला 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 बाय। सुबह हवन हुआ था, शाम को सेम डे पे ना हम लोग फिर मंदिर गए थे। तो शाम को ना डीसी मैम आए थे, उन्होंने बच्चों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, और उसके बाद हुई थी सारी फीमेल्स के एक रैम वॉक जस्ट फॉर फन, और रैम वॉक में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हेलो, आप और मैं सेम ही आज है ना। इधर से निकलना है, इधर से। अरे तालियां तो बजा लो। तालियां तालियां बस। तालियां बजाओ सारे लोग, अच्छा लगेगा। सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स मैं ले लूं तुमको। जाओ करो जाओ करो, गर्मी उठ जाएगी। जाओ
तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए? Say goodbye to glitches. Yeah.